Hey everyone, welcome back to this channel. I hope you are doing good. So, आज का जो वीडियो है हमारा वो बेसिकली वन फाइनल अवे चैलेंज के डे वन के बारे में है. मैंने एक इंग्लिश में पूरा इसका एक सीरीज बनाया है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. एंड इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि वन फाइनल अवे चैलेंज की डूज और डोंट्स क्या हैं, या उसको स्टार्ट करने के पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए. उसके बाद आप ये अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं डे वन के बारे में. सो बेसिकली OFA चैलेंज का डे वन एंड डे टू बोथ आर ये जो है एक फाउंडेशनल डे की तरह होंगे, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपके अगले 30 डेज का क्या रोड मैप रहेगा. सो विद बिना देर के हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं डे वन के बारे में. सो डे वन में बेसिकली सबसे पहले आपको रसल ब्रंसन विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द फनल हैकर्स. फनल हैकर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली फनल हैकर्स एज पर रसल, फनल हैकर वो लोग होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं जो कि क्लिक फनल में ज्वाइन करते हैं, या ऑल द मेंबर्स इनसाइड द क्लिक फनल्स वो सारे फनल हैकर्स कहलाते हैं. सो अगर आप भी OFA चैलेंज ज्वाइन करोगे तो यू विल बी कॉल्ड एज फनल हैकर्स. सो बेसिकली फनल हैकर क्या होते हैं? वो अपनी खुद की डेस्टिनी डिफाइन करते हैं, अपना खुद खुद अपना लक क्रिएट करते हैं और अपना सारा ऑनलाइन बिजनेस खुद ही क्रिएट करते हैं. और उनके पास एक पावर होती है कि वो अपने आइडिया से पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं. तो ऐसे करके फनल हैकर की डेफिनेशन बताई जाती है. इसके बाद फनल हैकर जो होते हैं वो दे आर ऑब्सेस्ड विद आर थिंग. थिंग का मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी भी मेंबर ने क्लिक फनल ज्वाइन किया है या OFA चैलेंज ज्वाइन किया है तो उसके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, कुछ ना कुछ सर्विस होगी, कुछ ना कुछ आइडिया होगा, कुछ ना कुछ मैसेज होगा. और वो मैसेज, वो प्रोडक्ट, वो आइडिया उसके लिए वो बहुत ही पैशनेट होता है उस चीज के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होता है अपने सर्विसेज के लिए. और साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए वो ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं. क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट है और आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे हैं और उस प्रोडक्ट में वो कैपेबिलिटी है कि वो लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, बट If you are not able to market that product, अगर आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो प्रोडक्ट के होने का कोई एग्जिस्टेंस होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कुछ नहीं कर पाएगा जब तक लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी. तो ये दो चीजें हैं जो फनल हैकर्स के बारे में बोली जाती हैं. इसके बाद एक छोटा सा डेफिनेशन की फनल हैकर बिलीव्स दैट देयर बिजनेस इज अ कॉलिंग. इसका मतलब यह है कि वो जानते हैं कि उनके जो सर्विस है, उनके जो प्रोडक्ट है, उनका जो मैसेज है, उस मैसेज में, उस प्रोडक्ट में इतनी इतनी पावर है कि वो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं मैसिवली. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर ये बोला जाता है कि यू आर एंटरप्रेन्योर बाय बर्थ एंड फनल हैकर बाय चॉइस. तो एंटरप्रेन्योर आप बर्थ से ही हैं लेकिन फनल हैकर बाय चॉइस से हैं, क्योंकि आपने चूज किया है कि आपको यहाँ पर आपने OFA सपोज इफ अगर आपने ज्वाइन किया है OFA तो इट इज योर चॉइस. सो दैट इज दे से लाइक एंटरप्रेन्योर बाय बर्थ एंड फनल हैकर बाय चॉइस. एंड एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फनल हैकर या क्लिक फनल्स में है या OFA में है, वो है ओवर डिलीवर. सो रसल इज अ पर्सन जो हमेशा बिलीव करते हैं कि हमें ओवर डिलीवरी करनी है. ओवर डिलीवरी का मतलब ये कि अगर इफ यू आर पेइंग समवन, अगर आपने किसी को $100 पे किए हैं तो उसको एटलीस्ट आपको $1000 की वैल्यू देना है. और अगर आप OFA ज्वाइन करते हैं तो यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा कि वाकई में ये OFA में आपको $100 लिए जाते हैं मगर आपको वैल्यू $1000 से भी ज्यादा दी जाती है. OFA में बहुत सारे ऐसे MBA ग्रेजुएट्स भी हैं जो ज्वाइन करते हैं एंड दे एग्री कि हमें इन 30 डेज में जो इम्प्लीमेंटेशन जो वैल्यूज मिली हैं वो उन्हें 2 साल की डिग्री में भी ये उनको ये नहीं मिला जो 30 दिन में जो ट्रेनिंग है, जो नॉलेज मिला है. सो ओवर डिलीवरी एक बेसिक थिंग है जो क्लिक फनल्स में है. चलिए आगे चलते हैं. तो रसल सेज कि आपको ये
क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि हु इज योर ड्रीम कस्टमर, आपका ड्रीम कस्टमर कौन है, हु इज योर अवतार, आप अपने ड्रीम कस्टमर को कैसे देखते हैं, कि उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, वो किस चीज की उसको जरूरत है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक फिटनेस इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल लें तो एक जिम ट्रेनर का एग्जांपल लें, तो एक जिम ट्रेनर के लिए एक आइडियल कस्टमर कौन होगा? उसके लिए आइडियल कस्टमर वो होंगे जिन जो शेप में नहीं है, जो अनहेल्दी हैं, फिट नहीं है, राइट? और अगर अगर आप सपोज आप कोई LIC एजेंट है या इंश्योरेंस एजेंट है, तो आपके लिए ड्रीम कस्टमर कौन होगा? जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया है, जिनको इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं है, राइट? तो ऐसे करके हमें अपने एक ड्रीम कस्टमर को डिफाइन करना होता है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है, हमें ये जानना होता है कि वो ड्रीम कस्टमर का एंड गोल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप कैसे किसी को कोच कर सकते हैं, कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो हमें वो जानना जरूरी है कि वो किस एंड गोल में पहुंचना चाहता है। अगर हम फिटनेस की बात करें तो उसका एंड गोल होगा कि फिट होना, हेल्दी होना, बॉडी शेप में होना, राइट? और अगर किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर वो आपका ड्रीम कस्टमर है तो आपको उसका एंड गोल मालूम होना चाहिए। इट शुड बी डिफाइंड वेरी वेल कि दिस इज द एंड गोल, उसके बाद ही आप उसको उस एंड गोल तक पहुंचा सकते हैं। और थर्ड थिंग होती है फ्रेमवर्क। सो फ्रेमवर्क बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो आप फॉलो करोगे उस एंड गोल को, एंड गोल को पाने के लिए। सो सपोज अगर एक फिटनेस इंडस्ट्री की बात फिर से करें हम, तो उसके लिए एंड गोल होगा फिट होना, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या होगी? आपको आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, आपको डाइट आपका मेंटेन करना पड़ेगा, आपको आपके मैक्रोस देखने पड़ेंगे, आपको एक एक्सरसाइज की पूरी एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सो ये सारी चीजें स्टेप्स हैं जिससे आप एंड गोल को यू विल गेट एंड गोल। सो ये सब चीजें जो हैं वो फ्रेमवर्क्स कहलाती हैं इन टर्म्स ऑफ फनल बिल्डिंग और बेसिक अगर बोला जाए तो। ये तीन चीजें हैं जो आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी, अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, हु मीन्स ये आपका एक कस्टमर होगा, अवतार इसको यहाँ बोला जाता है, अवतार अवतार। सो ये कस्टमर है, ये इसका एंड रिजल्ट है जो उसको वो हासिल करना चाहता है, और ये 1 2 3 4 दीज आर द स्टेप्स। तो अल्टीमेट रिजल्ट रहेगा एक चीज, और दूसरा कोर रिजल्ट रहेंगे, उसके बाद स्प्रिंट रिजल्ट रहेंगे। तो अल्टीमेट रिजल्ट वो रहेगा जो बेसिकली उसको मतलब पाना है, जैसे कि मान लो अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ पे हेल्थ की बात करें तो फिट रहना हो सकता है। कोर रिजल्ट होगा कि मेरी डाइट अच्छी हो गई, न्यूट्रिशन अच्छा हो गया, मैं शेप में आ गया, ये सब चीजें कोर रिजल्ट रहेंगे। और अगर स्प्रिंटर्स की बात करें तो कह सकते हैं कि मैंने प्रोटीन लेना चालू कर दिया है, मैंने ये एक्सरसाइज चालू कर दी है, तो ये सब चीजें स्प्रिंटर रिजल्ट्स और फ्रेमवर्क में आएंगी। इसके बाद आता है 3 वेज टू हेल्प योर कस्टमर्स। सो नाउ आपके पास अपना एक प्रोडक्ट है, आपके पास सारा कस्टमर आपने डिफाइन कर लिया है, आपके पास एंड रिजल्ट है, और आपके पास फ्रेमवर्क है। अब बात आती है कि आप इसको कैसे दे सकते हो। तो ये 3 वे रहेंगे, जिस 3 वे होते हैं जिसमें कि आप दे सकते हैं। पहला डू इट योर सेल्फ, डू इट विथ यू, और डन फॉर यू। तो अगर हम डू इट योर सेल्फ की बात करें, सो अगेन विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। सो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि ट्रेनर है, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वो वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको देता है, या उसने कोई बुक लिखी और वो बुक आपको देता है, कोई PDF बनाई है अपने नॉलेज से और PDF आपको देता है, तो ये सारे फ्रेमवर्क उसके अंदर रहेंगे, और आपको उसको फॉलो करके आपके एंड गोल को यू नीड टू गेट योर एंड गोल। सो ये हो गया डू इट योर सेल्फ वर्जन, जिसमें कि आप खुद ज्यादा काम करते हैं। सेकेंड होता है डू इट फॉर यू। सो यहाँ पे जो ट्रेनर होगा वो आपके लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा? कोई एक चैलेंज 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, वो एक चैलेंज क्रिएट करेगा जिसमें कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और वो आपके साथ में ट्रेनर रहेगा और आपको गाइड करता रहेगा। या तो ये कोई कोर्स होगा, कोई वर्कशॉप होगी, कोई क्लासेस होंगी, ऐसे लेके ये कह रहेगा डू इट विथ यू, क्योंकि उसमें कस्टमर आपके साथ रहेगा। थर्ड रहेगा डन फॉर यू। डन फॉर यू इसमें क्या होगा कि कस्टमर आपको 1 to 1 कोचिंग देगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। सो ये चीजें होंगी जो डन फॉर यू वर्जन में आ सकती है। तो ये 3 वे हैं जिससे कि हम कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं।
अगर ये डू इट योर सेल्फ डन विथ यू और डन फॉर यू, थ्री टाइप जैसे मैंने बताया। तो अगर ये योर सेल्फ वाली बात करें तो ये जो सर्विस होगी बहुत ही मतलब वो एक बेसिक लेवल होगा, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे $7 सर्विस लाइक डन डू इट योर सेल्फ। एंड अगर ये सेकेंड रहेगा तो वो थोड़ा उससे कॉस्टली होगा, तो यहाँ पे जैसे 97 से $297 तक हो सकती है वो सर्विस। थर्ड जो होगी डन फॉर यू जिसमें वन टू वन कोचिंग रहेगी, वो सबसे कॉस्टलियर सर्विस में जाती है। उसके बाद जैसे कि रसल विल टॉक अबाउट दिस हाउ टू मेक अ पोटैटो गन। सो ये रसल का इट वाज यू नो फर्स्ट प्रोडक्ट और जिससे कि बहुत उनको यू नो बहुत सारा नॉलेज मिला था और बहुत सारा ये इट वाज वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट। तो उसमें रसल ने क्या किया था कि ही रिकॉर्डेड अ वीडियो एंड उसकी एक सीडी बना के ही जस्ट सोल्ड इट आउट और ये प्रोडक्ट चल पड़ा था। तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो उन्होंने फिर ये सीडी के साथ में उन्होंने एक ऑफर देना स्टार्ट किया कि अगर आपको पोटैटो गन घर पर ही बना नहीं तो हम आपको ये पाए और जितनी भी चीजें इसमें लगती हैं सारी चीजें और प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके बाद इनका बिजनेस और मतलब 10-fold बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने सीडी के साथ फिर ये लेना भी स्टार्ट कर दिया। सीडी सपोज $10 की थी तो ये बाकी सारी चीजें $30 की थी। तो ऐसे करके डन फॉर यू वर्जन इन्होंने बनाया। ओके सो जैसे मैंने पहले बताया कि अल्टीमेट रिजल्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं कोर रिजल्ट्स में और बाकी कोर रिजल्ट्स को हम स्प्रिंटर फ्रेमवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है एवरी डे। सो डे वन में एक वन पेजर आपको मिलता है, एक लिंक मिलती है जिसमें कि आपको असाइनमेंट करने पड़ते हैं, और आप अगर असाइनमेंट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और ये चैलेंज सक्सेसफुल रहेगा। सो इसमें एक सिंपल से क्वेश्चन आए रहते हैं जो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है कि हु इज योर ड्रीम कस्टमर, सेकंड क्वेश्चन हु इज योर व्हाट इज द कोर रिजल्ट, थर्ड वन है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे फ्रेमवर्क्स होंगे जिससे आप अपने कोर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे, फोर्थ वन होगा कि इसमें सबसे अच्छा वाला फ्रेमवर्क कौन सा होगा, फिफ्थ वन जो है इसमें ऑर्डर फॉर्म बम्प ये क्या होगा, कौन सा बाय प्रोडक्ट होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी, और क्वेश्चन नंबर 6 लाइक डन विथ यू वर्जन क्या होगा, और 7 नंबर पे डन फॉर यू वर्जन क्या होगा। सो अगर मैं बात करता हूँ कि आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, तो मेरे लिए जो ड्रीम कस्टमर होगा वो एक कोई ऐसे लोग होंगे जो aspiring affiliate marketer होंगे, right? और मेरे लिए core result क्या होगा कि उनको मैं मतलब एक online earning करा पाऊँ, that will be my core result। अब इसके लिए steps क्या हो सकते हैं कि मैं उनका FB का profile optimize करूँ, एक उनका online business setup करके दूँ, उनको strategy बताऊँ, उनको lead generation के बारे में बताऊँ, ये सब मेरे frameworks हो सकते हैं। इसमें सबसे important framework क्या हो सकता है, suppose वो ये हो सकता है कि मुझे FB में उनका profile setup करना है, और ये हो सकता है कि उनका ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बाय प्रोडक्ट। सो सपोज मैं किसी का प्रोफाइल सेटअप कर रहा हूँ या किसी का ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं उन सब प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लूंगा, एक वीडियो बना लूंगा, सो वो एक बाय प्रोडक्ट होगा इस प्रोसेस का। क्वेश्चन नंबर 6 लाइक डन विथ यू वर्जन। सो डन विथ यू वर्जन में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक ग्रुप कोचिंग लूँ और 10 लोगों को मैं बताऊँ कि ऐसा ऐसा काम करना है और वो अपना काम करेंगे, सो दैट विल बी अ डन विथ यू वर्जन। और डन फॉर यू में मैं 1-to-1 कोचिंग या सबको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके मैं उनको बिजनेस सेटअप करूँ। तो ये सब क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको डे वन में देने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, ये बहुत ही यूजफुल रिसोर्सेज होते हैं, तो इन्हें आपको इन वीडियो को देखा अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। ओके तो मेन टेक अवे अगर डे वन की बात करें तो ये 3 क्वेश्चन, हु इज योर ड्रीम कस्टमर, व्हाट इज द रिजल्ट दे वांट टू अचीव एंड व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स, और ये 3 तरीके हैं जिनसे हम कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं, लाइक डू इट विथ योर सेल्फ और डू इट विथ यू और डन फॉर यू। तो ये सब एक बेसिकली एक ब्रीफ था आज के वीडियो में। अगर आप OFA चैलेंज ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेंगी, और ये सब चीजें 1 घंटे का सेशन होगा इसमें और 2 घंटे कंसल्टेशन कॉल होगा जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।